बड़ा प्राउड फील करता हूँ खुद पे, और क्योंकि मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था अपने कंट्री के लिए, और इसके बहुत काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था यार अपने मुल्क को एक मैच जिताऊँ, मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस दूँ। बिल्कुल, मैं एम्फसाइज करता हूँ कि यार आपकी बॉलिंग पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मैच के अंदर, और जिस तरह फर्स्ट मैच में शाहीन ने स्टार्ट लिया, और जिस तरह उसके साथ जिस तरह बाकी बॉलर्स ने भी बॉलिंग की, अब सेकंड मैच में जिस तरह मैंने बॉलिंग की और जहाँ पे जिस तरह ज़रूरत थी बॉलिंग की और वहाँ पे आके बॉलिंग की, ये एक हमारे टीम का एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि यार हर मैच के अंदर हर बॉलर जो जितने भी बॉलर थे वो एफर्ट करेंगे, अपनी जितना 100% देंगे यार, जो भी सम टाइम सारी बातें पहले मैच में जैसा शाहीन ने अच्छा किया, सेकंड मैच में मैंने अच्छा किया, तो नेक्स्ट मैचेस में कोई और हमारा बॉलर इंशाल्लाह अच्छा करेगा। बिल्कुल, जिस तरह T20 गेम होती है, और T20 गेम के अंदर सारी बात है कि सारे अच्छा नहीं करते, और एक दो ही होते हैं जो आपको, दो तीन प्लेयर हो आपको T20 में परफॉर्म करके मैच जितवा देते हैं, और बाकी जितने आपके साथ बॉलर होते हैं और आपको वही सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी बॉलिंग अच्छी कर रहे होते हैं, एक प्रेशर डेवलप होता है, और उसकी वजह से सम कोई ऐसा बॉलर होता है जिसको विकेट्स मिल जाती हैं, वो परफॉर्म अच्छा कर जाता है। बिल्कुल, जिस तरह गप्टिल था, और गप्टिल जिस तरह उसने लास्ट ओवर में बाउंड्रीज लगाई हुई थी और वो मोमेंटम एक बना रहा था रन्स के लिए, तो मैं जब मुझे ओवर मिला तो मैंने जो प्लान था उसके ऊपर कि यार उसकी बॉडी को यूज़ करना है, जिस तरह वो रूम बना के आपको शॉट खेलता है, तो मेरी कोशिश ये थी कि उसका रूम उसके जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा बॉल करूं ताकि वो मुझे बॉडी के अंदर वो जो स्ट्रक रहे।